दिखा दिखा तेरा डांस, अतरंगी वाला डांस। स्वीटी कुछ मूड पे है। ऑफ करेगा आज रात से, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप फ्रेंड्स और फ्रेंड्स बहुत अच्छे खुश रहना, पीना ना जैसे बंद रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना, मस्त लग रहा है। ये टिप 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 करते रहते हैं। ये लाइट एक्चुअली जलता नहीं है, लेकिन मतलब जो, अरे बाबा ये तो पूरा ही अंधेरा हो गया कैमरा में। एक्चुअली ये जो लैम्प है ये जलता है ज्यादातर टाइम जब भी मैं काम करती हूँ। तो पूजा का लाइट तो ऑफ हो गया, बाकी लाइट साथ दोनों, क्योंकि वो नीचे से है ना, टुक 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 टुक, कौन सा वाला ऑफ करना, कौन सा क्या करना होता है ना, एक एक जन का एक एक जिम्मेदारी होता है घर पे। अभी सोते हैं। How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold? Good morning. अरे सुबह हो चुकी है। मॉर्निंग का ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांत रहता है। नीचे भी एक दो जन, लेकिन सनराइज ये तरफ होता है। मेरा सुबह में एकदम सुबह में थोड़ा सा आता है, उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग के यहाँ से धूप थोड़ा सा बाद में आता है, 11 बजे के बाद, 10, 10, 10:30, 11। अभी तो एकदम सुबह है। शांतनु ऑफिस के मस्त लगता है दिखने में। मॉर्निंग में टंकी मस्त लगता है। देखो चारों तरफ कुछ कलर नहीं, लेकिन ये ऑरेंज कलर, एक ही कलर का चीज है ये टंकी। मॉर्निंग, और अभी तो शांतनु तो ऑफिस चले गए, मेरा काम शुरू हो चुका है। आज सुबह सुबह पराठा बना रही हूँ, लेकिन शांतनु तो बहुत सुबह ऑफिस जाते हैं ना, 7:30 बजे जाते थे, इसीलिए उतना सुबह तो हुआ नहीं, क्योंकि सुबह में टिफ़िन वगैरह था। शांतनु सुबह में आज बोले थे आज मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगे, फ्रूट्स खा मतलब लेंगे, ज़्यादातर फ्रूट्स मतलब केला वगैरह वही ज़्यादातर शांतनु, जिस दिन उसका मन नहीं करता है कुछ खाने का उस दिन वही खाते हैं। और आज सुबह सुबह पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आज पूरा बिजी डे हिसाब से है, मेरा पूरा दिन एकदम सुबह से भागम भागी जैसे चल रहा है। और कोई कोई बोलता है मेरा पराठा रोटी कच्चा रहता है, मेरा आज तक समझ में नहीं आया पराठा रोटी कच्चा कहाँ से दिखता है, क्योंकि मेरा एकदम जला हुआ कड़क वाला पराठा या रोटी पसंद नहीं है हमारे घर पे। सॉफ्ट मतलब थोड़ा मतलब हल्का ब्राउन टाइप का ज़्यादा पसंद है। रोटी भी इस तरह से एकदम कड़क वाला किसी को भी पसंद नहीं है, मोटा भी पसंद नहीं है। तो जिस हिसाब से जिसका घर का, और आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरह से कौन सा आटा दिखता है। जैसा महाराष्ट्रियन अगर आप चपाती जिसको बोलते हैं, मतलब हमारे पराठे जैसा, लेकिन वो गोल एकदम हल्का सेखा रहता है, लेकिन वो इतना सॉफ्ट होता है, वो कच्चा नहीं रहता है। अभी जिसका जैसा नज़रिया है। और आज आलू भाजा परोठा, बंगाली में आलू भाजा पराठा और कलौंजी मतलब जो नाइजेरा सीड होता है ना, कालोजीरा जिसको बोलते हैं, वो और हरी मिर्च दे के बनाया था सिंपल, और चाय, क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर जाऊँगी कुछ काम के लिए, तो इसीलिए सोचा, स्वीटी ने भी बोला था आज पराठा बनाओ ना, तो इसीलिए मैं एक्चुअली ये 10, 10:30, 11 बज रहा होगा इस टाइम पर मैं खा रही हूँ। सुबह में केला खाया था और चाय, थोड़ा सा स्वीटी ने भी चाय आज पिया, तो वो तो बोले ये मैं थोड़ा देर बाद खाऊंगी, तो मेरा शायद लगभग लंच जैसा ही हो गया। और करने के बाद पूरा किचन साफ करके फटाफट, क्योंकि गैस वगैरह मैं ऐसे छोड़ नहीं देती, और कढ़ाई को रख दिया, पता नहीं दोपहर में अगर कुछ अगर फटाफट बनाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर जाने वाली हूँ, कुछ काम सामान दिया हुआ था वो लाने जाना है,
तो अभी ऑटो में जाना पड़ेगा और इतना गर्मी ना, चावल खा के नहीं जाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा, स्वीटी ने जो बोला उसको भी खाने का मन कर रहा था पराठा, तो घर थोड़ा समेट के जाती हूँ, नहीं तो भाई आके वो थक जाती हूँ ना, क्योंकि अभी जो गर्मी पड़ रहा है ना मुंबई पे, एकदम समर की जैसे हीट टाइप का वेदर है, मतलब बाहर में देख के लग रहा है एकदम गर्म है, इसीलिए छाता वाता सब निकाल के रखा, वो छाता लेके जाऊंगी, और थोड़ा सा पानी बॉयल करने के लिए भी दिया है यहाँ पे, मैं कभी कभार पानी थोड़ा बॉयल करके गर्म करके रख देती हूँ तो स्वीटी पी लेती है। और ये सारे जो देख रहे हो फ्लावर वास, ये सारे सुबह में धोया था तो वो सारे मैं निकाल के रख दी, और कढ़ाई और तवा मैंने नीचे मतलब वॉश बेसिन में नहीं उतारा, क्योंकि तवा और कढ़ाई ना जितना कम साफ़ करोगे उतना अच्छा रहता है, मतलब तेल रहता है, तेल तो रहता है उसमें, और एक बार खाना बना सकते हो, तो मैं ढक के रख दूँगी और ये सारे अपना प्रॉपर प्रॉपर जगह पे, क्योंकि आने के बाद ना घर थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, आके बस नहीं होता है। और मैं सुबह में कोशिश करती हूँ एक दो जगह पे धूप दूँ, जैसा किचन पे, डाइनिंग रूम पे या किसी बेडरूम पे, मतलब पूजा के टाइम तो धूप देती हूँ, लेकिन ये धूप की खुशबू से ना एक पॉजिटिविटी अच्छा लगता है, लगता है पूजा पूजा वाला घर, देखना पूजा मंदिर पे, इसीलिए जब पूजा होता है उस टाइम पे कितना अच्छा फील होता है। ये धोनी दे रही हूँ, आसवेटी का बेडशीट वगैरह सब चेंज किया, अच्छा लगता है, लेकिन चेंज करना चाहते होते मतलब, इधर से मुझे एकदम टाइट टाइट बेडशीट पसंद है, मतलब अब बैठने से क्रम्बल तो हो गए, थोड़ा ठीक किया, लेकिन इधर तो उसका ही सामान रहता है, वो अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन बेडशीट चेंज करने से फ्रेश लगता है घर। वो देखो हारमोनियम, अभी सिटी को टाइम ही नहीं मिल रहा, सिटी गाना सीखती थी नर्सरी से, मतलब 3 साल से सीखती थी रविंद्र संगीत और क्लासिकल, तो अभी तो बड़े होने के बाद तो मतलब 10th के बाद तो पॉसिबल नहीं हुआ, 9th के बाद ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसका टीचर भी कोई और जगह पे चले गए थे। अरे बाबा, एक बुक रहता ही है उसका यहाँ। और अभी 1:30 बज रहा होगा, क्योंकि मैं 12 बजे गई थी, घड़ी पे देखा नहीं था ठीक तरह से, और जहाँ पे गई थी ना ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम के लिए गई थी, फटाफट करके चली आई, क्योंकि इतना धूप था ना, ऑटो में गई, और स्वीटी भी अचानक से उसका कॉलेज गई, क्योंकि उसका एक पेपर जमा देना था आज के ही डेट में उसको जमा देना था, वो सोची थी मतलब कल जाना है, तो उसके बाद मैसेज देखा, बोला नहीं आज ही के डेट में उसको जमा देना, तो वो भी फटाफट मेरे साथ ही निकल गई थी, तो वो तो अभी तक आए नहीं, तो मैं चली आई, आके फ्रेश हुआ, फिर से नहाई, मतलब मैं सुबह से ऑलरेडी मेरा 2 बार हो चुका है नहाना, अभी तो 3 से 4 बार नहाना हो रहा है, और वॉशिंग मशीन चला के गई थी तो ये सारे चादर वगैरह सब धोना हो गया था, और आके इसको बाहर ही मैं सुखाने देती हूँ, एक्चुअली बाहर ना ज़्यादा कपड़े में सुखाने में नहीं देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लैट में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना धूल होता है ना, तो ये चादर दे देती हूँ, चादर फटाफट सूख जाता है, तो 2 घंटे बाद मैं फिर से शाम को उठा लूँगी। सुबह से जिस दिन आप बिजी रहते हो देखना उसी दिन ज़्यादा ही काम हो, मतलब और भी काम आ जाता है, आज सुबह में वाटर प्यूरीफायर चल नहीं रहा था, उसके बाद मैं सोचा क्या करूँ, थोड़ा सा भी पानी नहीं था, ये जो पानी अभी तक देख रहे हो ना वो तो सुबह में मिनरल वाटर शांतनु ने मंगवाया था, शांतनु को भी पूछा, वो उसको फ़ोन पर थोड़ी पता चल रहा, मैं 2-3 बार स्विच ऑफ ऑन करके देखा नहीं हो रहा, उसके बाद मैंने एक्वागार्ड वाले भैया को फ़ोन किया, तो भैया बोले ठीक है मैं दोपहर तक आ जाती हूँ, क्योंकि बिना पानी का तो भाई नहीं हो सकता है ना, और थोड़ा सा मतलब मिनरल वाटर जो था वो स्वीटी को दिया था और थोड़ा सा भर के रखा था, पता नहीं मतलब आज हो पाएगा या ठीक नहीं, क्योंकि भैया नीचे वेट कर रहे थे, फोन किया था मुझे जो आप हो क्या घर पे, मैं बोला नहीं 2 मिनट के लिए, मतलब 5 मिनट वेट करो मैं आ रही हूँ, तभी आए, अभी ठीक करके गए, पूरा जो फिल्टर है वो पूरा ब्लॉक हो गया था, क्योंकि गंदा पानी शायद आया था, इस वजह से फिल्टर चोक हो जाता है ना, तो और ये वाला वाटर प्यूरीफायर का एक ही प्रॉब्लम है, फिल्टर मतलब अगर चोक हो गया तो पूरा स्टॉप हो जाता है, मेरा पिछले वाला जो होता है ना उसमें धीरे धीरे फिल्टर में थोड़ा बहुत चलता है, तो इसीलिए अभी पानी आके तुरंत भर रही हूँ। हमारे घर पे एक कौवा रहता है पता है, और कौवा आपके सामने है, वो देख कौवा का दोस्त भी देख नीचे, ये कौवा क्यों बोलते है पता है, सुबह में नहा के जाती है कैसे पता है, पानी छिड़क के, मतलब पानी से नहा के जाती है, मतलब क्या ऐसे ऐसे करके छिड़कती है, हैं कौवा जल के देख लो ऐसे करके छिड़कती, फेस में फेस वॉश और पूरा बॉडी पे पानी दे के नहा के जाती है, अभी आके फिर से नहाएगी। एक्स्ट्रा सॉप क्यों यूज करने का, तुमको एक्स्ट्रा सॉप की चिंता करने की जरूरत है, सुबह में भी सॉप लगाना, शाम को भी सॉप लगाना,
चार बजा के अभी नहा रही है, जा। ज्यादा सोप अच्छा नहीं। अच्छा ज्यादा सोप वो नेचुरल वाला ना, तो मिट्टी लगा, मिट्टी मिट्टी लगे है ना मेरा। अच्छा हाँ तब करेगा नहीं। हाँ देखो अभी कॉलेज से आया दिखा दिखा तेरा डांस, अतरंगी वाला डांस। स्वीटी कुछ मूड पे है क्यों पता नहीं, कल पार्टी तो पार्टी है इसीलिए। बिछड़े हुए पुराने दोस्तों से मिलने से पहले के जो खुशी होती है ना, वो कॉलोनी का फ्रेंड से मिलेगी, अपने बचपन का सारे फ्रेंड से, बचपन का दोस्त, बचपन का। एक साल बाद ना, हाँ एक साल बाद फोन पे तो इन लोगों का चैट चलता रहता है, मैं कभी कभी देखती रहती हूँ। फिर भी कम हो गया, सबका बोर्ड एग्जाम, सबका बोर्ड एग्जाम चल रहा था, सब बड़े हो गए ना, किसी का बोर्ड चल रहा है तो किसी का और कुछ चल रहा है जैसे इसका, तो इसी वजह से एक साल बाद मिलेंगे। देखो आप बोली का कलर कितना सुंदर लग रहा है ना, इस तरह से कलर है। इसका हार बनता है, यहाँ पे हार मिलता है, लेकिन बहुत सॉफ्ट वाला फूल है, एकदम इतना सॉफ्ट है ना। और इसको यहाँ पे रखा है, कुछ लगाऊंगी उसमें। We could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it. शाम हो चुकी है, मस्त एकदम वेदर, लेकिन हल्का गर्म जैसा हवा क्यों आ रहा है पता नहीं, काफी दिन से गर्म गर्म, लेकिन रात को ठंडी हो जाती है, एकदम एकदम ठंडी हो जाती है। मतलब आपको मोटा वाला थोड़ा मतलब ब्लैंकेट टाइप का लेना पड़ेगा, मतलब ब्लैंकेट ना बोलूँ, थोड़ा चादर टाइप का मोटा लेना पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये वेदर क्यों ऐसा है। अरे ये बोला ना था ये बालकनी में पेड़ पौधा उतना, दो पौधा कितना भी पानी खाद भी डाला लेकिन नहीं हो रहा। ये बालकनी का पता नहीं ये सॉल्टी हवा की वजह से है या क्या चीज़ की वजह से, पता नहीं चल रहा। सांतनु का इसीलिए इतने दिनों से बैग के अंदर था ना, यूज ही नहीं होता, ऑफिस से आके इसको बजा रहे फ्रेश होके, लेकिन आवाज़ बहुत मधुर है। ज़ाइलोफोन है यार, वही तो मैंने बोला हम लोग बचपन में, हाँ एक ने बोला था मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, मैं बचपन में पढ़ा नहीं था, हाँ वो याद है। अरे क्या सुन रहे, वाइब्रेशन सुन रहे। मास्टर ऑयल पर बड़ी जो होता है ना दाल बड़ी, इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया, और यहाँ पे जीरा, ब्लैक मस्टर्ड, थोड़ा सा कलौंजी मतलब नाइजेला सीड दिया है, खसखस, पोस्तो जिसको बोलते हैं पॉपी सीड, अदरक देके इसको पेस्ट बना लेना। मस्टर्ड ऑयल पे सूखी मिर्च, कलौंजी सौंफ, मेथी, पोटैटो छिलके के साथ, मैं ऑर्गेनिक पोटैटो यूज कर रही हूँ इसलिए छिलका यूज करती हूँ, तो आप छिलका निकाल भी सकते हो। और ये जो वसाई या विरार से लाई थी ना, वसाई से जो पालक, ये बेबी पालक है, ये देखो बेबी स्पिनच, यहाँ पे 200 रुपए का एक पैकेट मिलता है एग्जॉटिक सब्जी हिसाब से, ये 20 रुपया बंडल लिया हमने। हाँ एक्चुअली कभी कभार कुछ कुछ रेसिपी में मुझे ज़रूरत होता है, तो उसके लिए कभी कभार मंगवाना पड़ता है, उसका सामने होता है। और ये पोटैटो हल्का सा फ्राई होने के बाद, बेबी स्पिनच नहीं तो बाबा स्पिनच भी फिर दे सकते थे, बाबा भी खा पौला। जो मसाला पीसा है वो, हल्दी थोड़ा सा मिक्सी धोया हुआ पानी भी दिया, सॉल्ट, इसको अभी थोड़ा सा भूनना है। और जब थोड़ा सा भूना, जब थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अब इसको ढक के पका लूंगी, और इसको ढक ढक के ऑलमोस्ट पोटैटो बॉयल हो चुके पालक को, थोड़ा सा पानी रहते पालक बॉयल होने का टाइम नहीं लगेगा, और बिना ढके भी आप पका सकते हो, उसमें और भी हरा हरा रहेगा। और अभी थोड़ा पानी रहता है तो बड़ी को दे के जस्ट और थोड़ा सा कुक कर लेना है, लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हो, हाँ लेकिन बड़ी के अंदर पानी जाना चाहिए। बस सिंपल सा पालक की जो सब्जी होते हैं, बंगाली घरों में बहुत टाइप का सब्जी बनता है, इसमें मसाला वगैरह भी
थोड़ा बहुत चेंजेस होता है हर घर वाइज, ये मस्त रखते है ये खाने में। जैसा पंजाब में पालक का सब्जी बनता है ना, सिंपल घर का जो सब्जी बनता है, और ये फटाफट बन भी जाता है, लेकिन हाँ बड़ी होने से टेस्ट लगता है। लेकिन अगर किसके पास अगर बड़ी ना हो मैत्री, छोटी हो अगर छोटी, हाँ दाल छोटी भी दे देना, बड़ी क्या जाएगा छोटी से चलेगा? हाँ चलेगा। चलो आप लोग दाल बड़ी, दाल बड़ी अगर, तो बोलते दाल बड़ी बहुत कम मैं, या अगर दाल छोटी है उससे भी चला लो, बोड़ी हमारे में बोलते हैं बोड़ी। How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves? और ये सब्जी सिर्फ सूखे राइस के साथ मस्त लगता है। आप थोड़ा और गीला भी कर सकते हो, शांतनु को एकदम ड्राई ड्राई पसंद है। आप थोड़ा सा हल्का सा, मतलब किसी किसी को हल्का सा वो बोलता है ना, हल्का क्या बोलो उसको, रस्सा रस्सा नहीं बोलो, हल्का सा ग्रेवी। और ये दाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शांतनु के लिए बनाना पड़ता है और हमको खाना पड़ेगा। लेकिन ये सब्जी सूखी चाय दो, सूखी चावल लो और इसके साथ एकदम, लेकिन दाल बड़ी इन्होंने से ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी कभी दाल बड़ी नहीं भी रहते, पालक तो मस्त है, छोटा वाला पालक कभी कभी कड़वा होता है यहाँ का, वाह सर। इस काश और दो पांच लेके आ जाते और एक रेसिपी, और नहीं वो रहेगा नहीं रहेगा।